बैहर और बिरसा विकासखंड में रहने वाले 200 से अधिक लोगों के साथ मवेशियों की खरीदी बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी। लांजी क्षेत्र के अनिल नागेश्वर सहित अन्य लोगों ने फर्जी चेक देकर लोगों को लगाया करोड़ों का चूना। चेक बाउंस होने के बाद गरीबों ने खोली मवेशी खरीदी करने वाले आरोपियों की पोल। दादा 3 लाख रुपया खाए अनेक अनेक नाम है का अनिल नाम है का अनेक कहते का अनिल कौन जाने का मालूम हमला उसने कहते अच्छा, हम चेक में तो अनिल नागेश्वर लिखे चेक भी दे रहे का तुमला हमने नहीं दे दादा चेक उक नहीं दे है इसे भूल के ले गए वो हाँ। गाँव में जाते तो का कहते वहाँ हम जाते था तो दच नहीं कई बार चले गए 10 बार तो पुलिस में शिकायत काबर नहीं करे पुलिस में अब शिकायत अब नहीं करे दी आज नहीं कल दी कही की। नक्सल प्रभावित ग्राम टाटी कला सीतेपाला में जल जीवन मिशन के तहत 15 लाख खर्च करने के बावजूद लोगों को नसीब नहीं हो रहा है पानी। पीएचई विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर। हवा फाँक रहे हैं हैंडपंप। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना पर आयोग अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने साधा निशाना। कहा, हम करें तो कड़वा और आप करो तो मीठा, ऐसा होता है क्या? तो राजनीतिक रोटी आपसे करें तो क्या हम चूड़ी पर निकले आए? आप यदि महिलाओं के लिए कोई योजना लेके आ रहे हो तो क्या चूड़ी पर निकल आ रहे हो? आप करो तो मीठा मीठा, हम करें तो कड़वा, ऐसा होगा क्या? हमने लाडली बेटी योजना लाया, हमने किसान सम्मान निधि लाया, प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में 6,000 दिया, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने 4,000 दिया, हमने फसल बीमा योजना 2016 को सीहोर से लॉन्च किया, हम प्राकृतिक आपदा पे किसानों को दीजिए राशि को 3 गुना 4 गुना बढ़ाए, आप क्या करते रहो? 25 मई 2023 को परसवाड़ा के लामता में आएंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। पूर्व विधायक मधु भगत के आग्रह पर होने जा रहा है विशाल कार्यक्रम। जनसभा से पहले मंडल सेक्टर और प्रकोष्ठ की समीक्षा करेंगे कमलनाथ। पीसीसी चीफ के आगमन की तैयारियों में जुटे कांग्रेस के कार्यकर्ता। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की वनवासी राम कथा के विरोध में उतरे आदिवासी। 23 एवं 24 मई को परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भादुकोटा गांव में होना है कार्यक्रम। आयोजन जो धीरेन्द्र शास्त्री जो का जो आयोजन होने वाला है, मैं उसका विरोध करती हूँ। और उसमें एक जो शब्द है वनवासी शब्द, अब आप ही बताइए आप में और हम में अंतर क्या है? क्या हम आपको वनवासी दिखाई दे रहे क्या, जानवर टाइप दिखाई दे रहे क्या है? बताइए आप मेरे को। तो ये वनवासी शब्द यानी आप आदिवासियों के लिए कुछ भी शब्द यूज कर दो यानी हमको कुछ भी बोल दो, क्या हम इंसान नहीं है? है? अगर यही हम दूसरे समाज पे आरोप प्रत्यारोप लगाए तो कैसा रहेगा, कैसा लगेगा? आप बड़े जल्दी फिर FIR दर्ज कराएंगे और ये कराएंगे, तो हम भी क्यों करने दें अपने एरिया में? सीधी सी बात है, भारत हमारा ही देश है, आदिवासियों का देश है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। ये तो पहले गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड पे रहने वाले लोगों को गोंड कहा जाता है, सीधी सी बात है।